हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको जल्द से जल्द मिल सके। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि एक एक्सटेंशन बोर्ड को कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर स्विच और सॉकेट के बीच में कैसे कनेक्शन किए जाते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, ये एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड है प्लास्टिक का, इसमें कुछ सॉकेट और स्विच के ब्लॉक कटे हुए हैं। ये मेरे पास 5 एम्पियर के 2 सॉकेट हैं 5 पिन वाले, और ये 5 एम्पियर के 2 स्विच हैं, और एक एक ये टॉप है जिसके फेज, ये ग्रीन वायर को मैंने फेज से शो किया है, ग्रीन वायर, और न्यूट्रल ये येलो वायर पे कनेक्ट किया है। और कुछ वायर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, करीब जितनी आपको ज़रूरत हो, 1.5 मीटर 2 मीटर जो भी आपको लगाना हो, और उसके बाकी कनेक्शन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, इन स्विचों को यहाँ पे लगा देंगे, ये यहाँ पे लगा दिया, इसको यहाँ पे लगा दिया, इसको यहाँ पे लगा दिया, और इसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारे पर स्क्रू है, ये पेच और नट है, इसको यहाँ पर ऊपर टॉप पे और कस देंगे, ये ऐसे यूं करके इसमें यूं लगा देंगे यहाँ पर, और दूसरे वाले को भी लगा देंगे ऐसे करके। इसको यहाँ पर ऐसे लगा कर इसको ऐसे देंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें 2 स्विच लगा दिए हैं और 2 सॉकेट लगा दिए हैं, और यहाँ पर जो नट लगे हुए थे, नट इनको स्क्रू को टाइट कर दिया है। अब मैं इसको आपको कनेक्शन करना बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने जो भी 2 स्विच और 2 सॉकेट लगाए थे उसके कनेक्शन कर दिए हैं। फ्रेंड्स, ये है मेरा एक वायर है जो मैंने ये एक्सटेंशन बोर्ड में इस्तेमाल किया है। ये ग्रीन वायर को मैंने फेस पे इस्तेमाल किया है, यहाँ लाइन लिखा हुआ है, फेस पे इस्तेमाल किया है, और येलो वायर को न्यूट्रल पे इस्तेमाल किया है। ये वायर यहाँ से होकर मेरे एक्सटेंशन बोर्ड में आ जाता है, ये देखिए ये आया हुआ है, और ये एक्सटेंशन बोर्ड में आया हुआ है। यहाँ से येलो वायर इस सॉकेट में कि एक पॉइंट पे और इस सॉकेट के एक पॉइंट पे दोनों पे कनेक्शन कर दिया है। यहाँ से इस सॉकेट पे आया, एक वायर न्यूट्रल वाला आके यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, और एक तार को हमने यहाँ से लगा के, यहाँ से शॉर्ट करके इस पे न्यूट्रल को दे दिया है। जो ग्रीन वाला फेस पे आ रहा था वो यहाँ से और यहाँ के बीच में एक शॉर्टिंग लगी हुई है, और स्विच के आउटपुट से एक सॉकेट को मैंने इस सॉकेट को सप्लाई दी है, और ये दूसरे स्विच से ये इस सॉकेट को सप्लाई दी है। फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो गया है, इसके कनेक्शन हो गए हैं, और मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। इसको इसमें सॉकेट लगा दिया मैंने, ये सॉकेट को इसको बंद कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो गया है, अब मैं इसमें सप्लाई देके आपको चेक करके दिखा देता हूँ। इसको ऐसे बंद कर देंगे, फ्रेंड्स ये 4 स्क्रू होते हैं जो कि यहाँ यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर आप कस देंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये मैं इसमें सप्लाई दे के आपको चेक करके बता देता हूँ। ये मेरा टॉप है जो मेरे एक्सटेंशन बोर्ड में लगा हुआ है, ये मैं इस एक्सटेंशन बोर्ड में कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट हो गया, इसको चेक करने के लिए मैं इसमें पहले वाले सॉकेट में एक होल्डर लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दी, ये लगा दिया है, ये पहले स्विच में लगा, पहले सॉकेट में लगा हुआ, इसके पहले स्विच से ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। अब मैंने इसको दूसरे सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है, अब ये दूसरा स्विच मैं ऑन कर देता हूँ, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया।
ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। फ्रेंड्स, जो मार्केट में एक्सटेंशन बोर्ड मिलते हैं वो अच्छे किस्म के नहीं होते हैं और उनके कॉन्टैक्ट बहुत हल्के होते हैं जो कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उसके अंदर वायर भी अच्छे किस्म का कॉपर इस्तेमाल नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये अगर आप एक बार एक्सटेंशन बोर्ड बना लेंगे तो आप अपनी मल्टीपर्पज़ डिवाइस को जितने चाहें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक सॉकेट मेरा खाली है, अगर इसमें चाहें तो इसमें भी और आप इस तरह के सॉकेट कनेक्ट कर सकते हैं और जितना चाहें उतना बड़ा एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। इसमें दो स्विच और दो सॉकेट लगाए हैं। आप इससे ज़्यादा तीन स्विच, तीन सॉकेट या चार स्विच, चार सॉकेट भी लगा सकते हैं।